जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, जिवें कि तुसी सारे जानते हो, शहीद श्री सुधीर कुमार सूरी जी का हत्या जिहड़ी है वो 4 नवंबर नूं होई सी। उस तो बाद काफ़ी विषय जांच दे रहे जिहड़े पुलिस प्रशासन वालों पूरी तरह जांच की नहीं गई। सब तो पहले जो जानकारी साढ़े कोल सी, असी कमिश्नर साहब नूं भी दित्ती, DGP साहब भी आए सी मेरे रेजिडेंस से, ADGP भी आए सी, उन्होंने भी जानकारी दित्ती कि सुधीर कुमार सूरी लगातार 5 दिन यानी जे आप चलीए जिस दिन हत्या होंदी है उस तो 5 दिन पहले मंदिर कमेटी के संपर्क सी, तो बार बार उन्होंने एक रिक्वेस्ट कर रहे सी कि मंदिर के बाहर जेडे धार्मिक समान पिया मूर्तियां पईआं उन्होंने पूरे मान इज्जत दे नाल जल प्रवाह किया जाए, लेकिन अगों कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा सी। लास्ट डे जिस दिन उन्हां दी हत्या हुंदी है प्रधान वालों यह कहा जाता है कि उन्हां को टाइम नहीं है, अजे वो जड़ियां मूर्तियां ने नहीं चुक सकते, फिर वो दफ्तर आ जाते हैं। और मैं इत्थे यह भी याद दिला देना चाहना कि उस वेले सुधीर कुमार सूरी नज़रबंद सीगे, हाउस अरैसट सी, क्योंकि उन्हां दी जान नूं बहुत खतरा सी और पुलिस प्रशासन ने कहा सी कि उन्हां दी जान नूं खतरा है। और करीब 25 केड़ी लगाए सी केड़े सैनिक सी, ARPF दे 25 जवान मौके ते उन्हां दे घर च तैनात सी। इन्नी सिक्योरिटी चो कौन उन्हां नूं लै गया, किस तरह लै गया, ये सारे जांच के विषय ने। सब तो पहले मैं तुहानू दसना चाहना कि उन्होंने कहा 4 दिन मैं लगातार संपर्क सी, मंदिर कमेटी कहती है कि साढ़े नाल किसी तरह का सुधीर कुमार सूरी का कतल होने तो पहले उन्होंने कोई संपर्क होया ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन यह उठता है कि जे उन्होंने संपर्क उन्होंने नहीं होया तो किहड़ा वह बंदा सी जिहड़ा प्रधान बन के संपर्क करता रहा, पहला सवाल यह उठता है। देखो, मेरी सुई मंदिर कमेटी से भी है, मेरी सुई एक्स कमेटी है उत्थे जिहड़ी इलेक्शन हार गई है उन्हां ते भी है, मेरी सुई हरेक उस बंदे ते है जो नाल सी, वह पार्टी का भी हो सकता, पार्टी तो बाहरों भी हो सकता। तो मैं चाहना कि पूरी तरह जांच होनी चाहिए है, साढ़े सारे मैंबर भी चाहते हैं कि एक बंदे की जांच होनी चाहिए है कि आखिर इस तरह होया तो क्यों होया, कौन उन्होंने उत्थे लैके गया, कौन उत्थे ले जान तो बाद धरने का रूप देता, मिनटों मिनट ही दरिया पहले ही आ गई सी। फिर मंदिर कमेटी का कहना है कि जिस वेले सुधीर कुमार सूरी इत्थे आए ने उस तो एक दिन पहले इत्थे समान नहीं सी, यानी पूजा का मटीरियल उत्थे नहीं सी। ध्यान देना मेरी इस गल कि 4 दिन पहले सुधीर कुमार सूरी संपर्क कर रहे थे और मंदिर कमेटी कह रही है कि उत्थे पूजा का समान नहीं सी। यह गल उन्होंने DCP साहब के सामने भी कही है, क्योंकि उन्होंने नाल भी साड़ी मीटिंग हुई, उत्थे मंदिर कमेटी भी बुलाई गई, मंदिर कमेटी मेरे घर भी आई। मैं कहना चाहना पूरी तरह जांच होनी चाहिए है कि आखिर क्या वो समान पहले उत्थे सी कि नहीं, जे नहीं सी तो किन्ने सुटिया, किन्ने उन्होंने उत्थे बुलाया। सब तो वड्डी गल है कि 4 दिन नकली प्रधान बन के कौन उन्होंने नाल गलबात करता रहा, ये बारे जांच क्यों नहीं की गई। फिर साहब 2.5 महीने हो गए उन्होंने कतल सुधीर जी ने, मतलब तुम्हें की लगता है इस वे भी गुमराह किया जा रहा प्रशासन वालों? बिल्कुल 1001% गुमराह किया जा रहा जी, और मैं लगता प्रशासन किसी भुलेखे च है, भुलेखा उन्होंने है कि यह बैठ गए ने, असं बिल्कुल नहीं बैठे, इंतजार कर रहे हैं। उस तो बाद सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पर उतरेंगे, धरने देने पैणगे, धरने देंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, खटखटावे, प्रशासन अपने सारे भुलेखे कट दे। जो जो भी मीटिंग होंगी है एक लॉलीपॉप टाइप दे के सू भेज दिता जाता है। हूँ तक की जांच के सामने की आया, उन्होंने की तुम दस कितों तक पहुँच गया? मानिक जी की भी गल हुई तो दसनगे। पुलिस की गल है जी, जी पुलिस सानू गुमराह इस तरह कर रही है कि तू ऑलरेडी इनकुआरी ताड़ी मार की हुई है, असी सिट के हवाले का पूरा केस है, तुहानू सिट इनफॉर्मेशन देगी,
70 दिन तो बाद चलान पेश होना चाहिए, जबकि हाले तक 70 दिन हो गए ने चलान पेश नहीं होया। सिट की इनफॉर्मेशन हाले तक साढ़े कोई नहीं है, सिट ना मीटिंग पेंडिंग है, वो 26 जनवरी तो बाद सिट ना मीटिंग होएगी, उस तो बाद कन्फर्म होएगा कि मैटर इन्होंने सॉर्ट आउट किया है कि कोई बंदा इन्होंने ट्रेस किया कि नहीं किया। उस तो बाद कहना जी साले प्रधान बिजी ने, मतलब प्रधान कौन है, हवा च प्रधान नहीं है, किसी ने आफ्टर गलती हुई है। सवेरे जिस वे जिस दिन का मर्डर का केस होया उस दिन मेरे सामने बैठे बैठे ब्रेकफास्ट करते हुए पापा नूं फोन आया, उन्होंने उस टाइम फोन पर गल करते हुए गुस्से बोलिया मैं फिर आ गया, आन का मतलब है आ गया मैं तेरे कोल ही आ रहा, मैनू कोई गल मैं क्या पापा नाश्ता तो कर लो कि नहीं यार मैं उत्थे जाके आके गल करांगा, चलो गल खत्म हो गई, मैनू तो पता नहीं सर काम हो जाना। यह सीधे गए ऑफिस, ऑफिस तो ही सीधे चले गए, बंदे बिठाए तो मंदिर चले गए, मंदिर से जाके उ जो मर्डर होया जो कहानी मैनू पता लगी मैं उस वेले उसे भजा गया रस्ते च ही। पहले मैंने फोन आ गया कि धरने से बैन लगे ने, मैं उस टाइम धरने से जाता रस्ते च, जिते तक मैं पहुंचया मैं उस तो बाद पहले ही मर्डर हो चुका सी, हाफा दा भी उ सारे जिस तरह सारे भज रहे ने भज रहे से, जो उस तो बाद होया तुहाडे सामने सारे अज कोल। सारी गल्लां तुसीं पहले कर चुके हो, हुण तुसीं देखो इन्ने दिन बाद मीडिया के सामने आए हो, तुहानूं की लग रहा है भी तुहाडा अपना तुसीं किस नतीजे ते पहुंचे हुण तक? देखो मैं सब तो पहले यह चाहना कि जिस तरीके दे नाल कतल होया उहदे च इनवॉल्वमेंट तो किसी ना किसी बड़े खास बंदे की हैगी है, और पुलिस पता नहीं जांच कर रही है कि नहीं कर रही, जो सानू कुछ दस्या ही नहीं जा रहा तो मैं इस बारे की कहांगा, लेकिन अज कितना कोख है जांच करना, सारे दे फोन कॉल्स मंदिर कमेटी के होर लोगों के, मैनू किसी ऑफिसर ने कहा कि हो सकता तुहाडा ही कोई बंदा हो, तो उस वे मेरे नाल 6-7 कमेट अपनी पार्टी के बंदे से, सब ने कहा कि सर एक एक बंदे की जांच करो, सानू कोई इतराज नहीं, हर बंदे की जांच करो, ईमानदार मेरी भी जांच करो, हर बंदे की जांच करो, ये इनवॉल्वमेंट किदी है, आखिर उत्थे उन्होंने कौन लैके गया, वो प्रधान कौन है जिदे नाल इन्ने दिन फोन पर गल हुंदी रही और अज प्रधान कह रहा मेरे नाल गल नहीं हुई, मंदिर के बाहर ये जिहड़ियां मूर्तियां ने एक किन्ने सुट्टियां, उस तो बाद भी गेम खेडी गई, वो सारा समान चुक के एक जगह पहुंचा, उतों भी सानू फोन आया सी, उत्थे भी गए असी वो परचा भी दर्ज कराया, अननोन परसनस ते इन्होंने परचा दर्ज किया जिसकी जांच चल रही है, ये जांच किन्ना क देर चलेगी, मैं प्रशासन को पूछना चाहना कि क्या जांच चलती रहेगी कि कोई नतीजा भी सामने आएगा? फोरेंसिक जो फोन सी फोरेंसिक जांच हुई है? मैं तुहानू पहले दस चुका कि सानू कुछ दस्या ही नहीं जा रहा, कोई फोन की जांच नहीं हुई ना ही कोई फोन साढ़े को मंगया गया, फोन साढ़े को लिया ही नहीं गया तो जांच कित्थों होएगी? साडा अगला स्टैप इहो ही है जी, जे ये कार्रवाई नहीं करते असी धरना भी देंगे, मरण वरत भी रखांगे, तो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटावांगे, और जनता नूं नाल लैके पुरजोर मंग करांगे अच्छे तरीके नाल, सड़क पर बैठ के हर तरह का प्रदर्शन किया जाएगा, जे प्रशासन यह सोचता कि वह परिवार को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा कर लेगा तो बिल्कुल गलत सोचा जा रहा, क्योंकि अज कुछ एक बंदे साढ़े भी ऐसे ने जोड़े कुछ ना कुछ गलत बोल देंगे ने, मैं कहांगा कि यह जांच पूरी होनी चाहिए है, हर बंदे की होनी चाहिए है, क्योंकि जांच चो ही नतीजा निकलना उसका कुछ नहीं जो पता चलना। ठीक है।